हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होमियो क्लिनिक एट होम। मैं डॉक्टर ब्रजेश शर्मा आज आपको स्त्रियों की एक बीमारी ओवराइटिस के बारे में बतलाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करें, अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। शरीर के अन्य अन्य यंत्रों के प्रदाह की तरह स्त्रियों के डिम्बकोश यानी ओवरी में भी और उसके पेरिटोनियल कवरिंग में भी सूजन यानी प्रदाह हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो उसे हिंदी में डिम्बकोश का प्रदाह और अंग्रेजी में उसे ओवराइटिस कहते हैं। ओवराइटिस होने के कारण के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सर्दी लगने, मासिक धर्म के समय भीगने, रजस्वला स्थिति में पुरुष सहवास, डिम्बकोश में चोट, हस्तमैथुन या डिम्बकोश के या जरायु के मुंह पर उत्तेजक या दाह वाली क्रीम लगाने से भी इस बीमारी का शुरुआत हो सकता है। प्रमेह की बीमारी, पेल्विक पेरिटोनाइटिस या पेल्विक सेलुलाइटिस के कारण भी ओवराइटिस पैदा होता है। कभी कभी सौरी में भी डिम्बकोश का प्रदाह अक्सर स्त्रियों में होता है, जो इस बीमारी में ज़्यादातर बाईं ओर के डिम्बकोश पर ही इस बीमारी का असर होता है। प्रदाह कभी कभी दाहिने से बाएं और कभी बाएं से दाहिने चला जाता है, यानी किसी भी डिम्बकोश पर इसका आक्रमण हो सकता है। यह 7-8 दिनों के अंदर ठीक भी हो जाता है और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह बीमारी पुराना रूप धारण कर लेती है, जिसे क्रॉनिक ओवराइटिस कहते हैं। डिम्बकोश में सूजन हो जाता है और फिर इंड्यूरेशन यानी कड़ापन आ जाता है। इसमें ओवरी में लगातार दर्द होते रहता है और बीच बीच में बहुत प्रबल हो जाता है। तो ये थे कुछ कारण और अब हम लोग जानेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन। रोग की प्रथम अवस्था में एकोनाइट 200 हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद दें, इससे तुरंत इसका असर होगा और प्रदाह बिल्कुल घट जाएगा। अगर स्वेलिंग बहुत आगे बढ़कर पकने की तरह हो जाए तो ऐसी स्थिति में हिपरसल्फर 200 पोटेंसी में हर 2 दिन बीच करके सुबह खाली पेट में 2 बूंद दें और अगर इसका आक्रमण बाएं ओवरी पर हुआ हो और इस तरह के सिम्टम हो तो आप लैकेसिस 30 2 बूंद सुबह खाली पेट में एक बार दें, इससे ये रोग ठीक हो जाएगा। अगर ओवराइटिस बाएं साइड का हो तो कॉलोसिन 200 और थूजा 200 दोनों बारी बारी से सुबह खाली पेट में 2 बूंद दें, इससे बिल्कुल यह रोग ठीक हो सकता है। अगर रोग दाहिने ओवरी में यानी दाहिने तरफ का ओवराइटिस हो और उसमें काफ़ी तेज दर्द हो तो पैलेडियम 200 हर 2 दिन बीच करके 2 बूंद सुबह खाली पेट में, या फिर अगर उसमें सूजन बाहर तक दिखाई दे और हल्का जलन हो
तो ऐसी स्थिति में आप एपीस 200 दो बूंद सुबह खाली पेट में दो दिन बीच करके दें, इससे रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर पुराना कब्ज भी ओवराइटिस के साथ हो तो कोनियम 200 हर दो दिन बीच करके दो बूंद सुबह खाली पेट में दें, इससे अत्यंत लाभ होगा। अगर ओवरी में अबूर्द यानी कि ट्यूमर हो जाए और उससे भी सूजन हो जाए तो ऐसी स्थिति में आप लेक्टुका भीरोसा नामक दवा 200 पोटेंसी में हर दो दिन बीच करके सुबह खाली पेट में दें, यह अत्यंत लाभकारी है। ओवेरियन सिस्ट अगर हो जाए तो थूजा 200 हर दो दिन बीच करके सुबह खाली पेट में दो बूंद दें, इससे अत्यंत लाभ होगा। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।